9 और 10 सितंबर को होने वाले दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसकी आधिकारिक सूचना दिल्ली पुलिस ने जारी कर दी है। नागरिकों के बीच दैनिक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थी। इन चिंताओं के जवाब में दिल्ली पुलिस ने प्रमुख परिवहन केंद्रों के बारे में जानकारी दे दी है। शिखर सम्मेलन की अवधि के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 8 से 10 सितंबर तक लोगों से कम ही बाहर निकलने की अपील की है। मेरा ये रिक्वेस्ट है दिल्ली वालों से कम इन 3 दिनों में घर से बाहर निकले, क्योंकि काफी सारी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, खासकर रिंग रोड के अंदर जो सारा एरिया है। मेरी दिल्ली वालों से अपील इसलिए है क्योंकि 20 देशों के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर्स दिल्ली में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी कंसिडरेशंस काफी रहेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम बाहर निकलें, तभी बाहर निकलें जब जरूरी है। देखिए, ऑफिसेज सारे बंद रहेंगे 8, 9, 10 तीनों दिनों के लिए, इसलिए भी बंद रहेंगे क्योंकि इस दौरान कई प्रकार की ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन वगैरह रहेंगी। इस पूरे समय में कई देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं, हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी कई जगह पे मीटिंग्स, विजिट्स, टूर्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो इसलिए पूरी दिल्ली में ही, नॉट जस्ट न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए तीनों दिन के लिए चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे ऑफिसेज हों, सबको बंद किया गया। अंतर्राज्य बसों की दिल्ली तक पहुंच होगी, जबकि सिटी बसें मुख्य रूप से रिंग रोड और शहर की सीमाओं की ओर चलेंगी, लेकिन नई दिल्ली इलाके में यातायात की कोई सेवा उपलब्ध नहीं होगी। टैक्सी और ऑटो रिक्शा सेवाएं 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की आधी रात तक निलंबित रहेंगी। जो टैक्सियां शहर की सीमा में हैं, उन्हें नई दिल्ली इलाके को छोड़कर पूरे शहर में चलाने दिया जाएगा। मानो पूर्वी दिल्ली खुली रहेगी, आउटर रिंग रोड्स पे बस चलेंगे, मेट्रो स्टेशन भी जो बंद रहेंगे, जो मेरी जानकारी, जो दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी और जितना मैंने पढ़ा है, जो वो प्रगति मैदान, सुप्रीम कोर्ट के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेंगे, बाकी खुले रहेंगे। मैं पूर्वी दिल्ली में था सुबह, तो पूर्वी दिल्ली हो, बाहरी दिल्ली हो, सब एरिया खुले रहेंगे। माने प्रधानमंत्री जी खुद इस बात की बड़ी चिंता करते हैं कि कोई भी बड़ा इवेंट हो, छोटा इवेंट हो, जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए, पर इन सबके साथ जनता भी कॉपरेट करने के लिए तैयार है और अतिथियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। शिखर सम्मेलन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों के अलावा भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों से वाहनों के साथ पूरे दस्तावेज लेकर चलने की भी अपील की गई है। नई दिल्ली जिले के बाहर के सभी बाजार खुले रहेंगे। पुलिस ने नागरिकों को जहां तक संभव हो दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दिल्ली में चीजें सामान्य चलती रहें, इसलिए हमने नई दिल्ली या NDMC ये क्षेत्र को ही नियंत्रण जोन में डाला है। बाकी पूरी दिल्ली में सभी सेवाएं, बस सर्विस भी आपने देखा होगा, सिटी बस सर्विसेज, ISBT उसी तरह से चल रहे हैं, वहां पर सेवाएं जो है TSR टैक्सी सभी चल रहे हैं, मेट्रो सेवा जो है, इसके बारे में हम पहले भी आपसे वार्ता कर चुके हैं कि मेट्रो सेवाएं जो है पूरी दिल्ली में चलेंगी। एक जो मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान या सर्वोच्च न्यायालय का, वो वहां पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित होंगी, इसके अलावा सभी मेट्रो सेवाएं चलेंगी। बल्कि हमने मेट्रो से अनुरोध करके, इस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि वो सुबह के टाइम में अपनी जो सेवाएं हैं 4 बजे से प्रारंभ करें, जिससे लोगों को और ज्यादा सुविधा हो सके। साथ के साथ सभी जगह पूरी दिल्ली में, नई दिल्ली में भी आवश्यक सेवाएं जो है, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो, हॉस्पिटल्स हो, केमिस्ट, फार्मेसी की शॉप्स हो, पैथ लैब्स हो, सैंपल कलेक्शन हो, ये सभी सेवाएं चलती रहेंगी नई दिल्ली में भी, पूरी दिल्ली में। और वेजिटेबल, साथ के साथ मिल्क बूथ्स हो, ग्रोसरी स्टोर्स हो, ये सभी सेवाएं चलेंगी। सिर्फ बाकी 8, 9, 10 का जो राजकीय अवकाश है, उसमें जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मार्केट या दुकानें हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, वो बंद रहेंगे सिर्फ नई दिल्ली के एक सीमित क्षेत्र में, बाकी पूरी दिल्ली में ये खुले रहेंगे। एक क्वेरी आई थी ऑनलाइन डिलीवरीज के बारे में, ऑनलाइन डिलीवरी अगर आवश्यक सेवा के लिए है तो वो अलाउड है, बाकी जो है जैसे क्लाउड किचन है या जोमेटो है, स्विगी है, इस तरह की जो सेवाएं हैं वो नई दिल्ली में
प्रभावित रहेंगी, नई दिल्ली में अलाउड नहीं है लेकिन बाकी पूरी दिल्ली में सामान्य रूप से चल सकती हैं।